हे गाइस, बहुत सारे लोग हैं जो आईटी को एक अलग अलग एंगल से देखते हैं कि आईटी में ये काम होता है या फिर आईटी ये फील्ड होती है, आईटी में ये करना पड़ना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली आईटी होता क्या है या फिर आईटी में आपको किस लेवल का या फिर किस तरह का काम करना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आईटी में कोडिंग ही सब कुछ होती है। कोडिंग का मतलब आप कुछ स्क्रिप्ट लिख रहे हो, कुछ कोड कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आईटी में बहुत सारे मेथड्स काम करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को तो कोडिंग भी नहीं आती, बट वो आईटी के मास्टर्स हैं। तो आईटी में अलग अलग फील्ड है, उस फील्ड के अकॉर्डिंग लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बेनिफिट है जो आईटी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आईटी होता क्या है। तो आईटी को बेसिकली हम दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे डिफ्रेंशिएट करने की बात आती है तो हम उसको कोडिंग और नॉन कोडिंग में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अभी बात करते हैं कि कोडिंग में होता क्या है एग्जैक्टली। तो कोडिंग में हमें वेरियस कोड लिखने होते हैं। जैसे बहुत बार होता क्या है कि हम C++, जावा, PHP, .NET ये सारी जो कोडिंग लैंग्वेज है उसके ऊपर काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को बेसिक कोडिंग पता होगी, जिनको C++ का कुछ बेसिक नॉलेज है, जिनको जावा का बेसिक नॉलेज है, जिनको PHP का बेसिक नॉलेज है, उनके लिए स्क्रिप्ट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये लोग आईटी में एक अलग वे से काम करते हैं, यानी स्क्रिप्टिंग पे, कोडिंग पे काम करते हैं। तो आईटी में एक फील्ड माना जाता है कि जहाँ पे हम कोड पे काम कर सकते हैं या फिर कोडिंग पे काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको कोडिंग आती नहीं है या फिर कोडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन से नहीं होती, लेकिन फिर भी वो आईटी में अभी सक्सेसफुल है। तो फिलहाल अभी अगर मार्केट में हम देखेंगे तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कोई आर्टिफिशियल कोई टूल्स क्रिएट किया होगा, एम्बेडेड टूल्स होगा, या फिर हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, या फिर IMS की बात करते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट होता है जिसमें हमें सर्वर, नेटवर्किंग ये सारी चीज़ें होती है, तो वहाँ पर हमें कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन डेवलपमेंट साइड या फिर डेवलपर्स को हमेशा कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत बार ये होता है कि डेवलपर्स के लिए या फिर डेवलपर आईटी के लिए कोड एक मैंडेटरी प्लेटफॉर्म्स बन जाता है जहाँ पे आपको कोड लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आईटी में कोडिंग एक ब्रांच है जहाँ पे आप कोडिंग पे जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको कोडिंग में बहुत कम जगह मिलते हैं। जैसे डेवलपमेंट की जगह पे आप कोडिंग कर सकते हो। बहुत बड़ा सेक्टर से कि जो नॉन कोडिंग में आता है, यानी आईटी में लगभग पकड़ के चलेंगे हम तो 70% 75% पीपल्स ऐसे होंगे जिनको कोडिंग नहीं आती, तो वो लोग नॉन कोडिंग सेक्टर्स में काम करते हैं। बट वो लोग आईटी में काम करते, वो लोग कंप्यूटर्स पे काम करते, वो लोग किसी प्रोग्राम के साथ काम करते, यानी किसी सर्विसेज के साथ काम करते। तो इनमें से हमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं। जैसे हम बात करते हैं IMS सेक्टर्स, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, जिसमें हम पकड़ के चलेंगे तो विंडोज़, लिनक्स या फिर नेटवर्किंग ऐसे ब्रांचेस आती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कोई अगर डेवलपमेंट टूल्स हो कि जो एम्बेडेड हो किसी सिस्टम के साथ, और उस पर अगर हमें टेस्टिंग करनी हो तो उस टेस्टिंग पैरामीटर को भी हम आईटी कंसिडर करते हैं, बट उसको नॉन कोडिंग में कंसिडर करते हैं। या फिर जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बिजनेस मॉड्यूल है, जिसने भी बिजनेस मैनेजमेंट के मॉड्यूल है जो आईटी के बेस काम करते, वो नॉन कोडिंग के ऊपर काम करते हैं। यानी सेक्टर तो आईटी है, काम आईटी का कर रहा है बंदा, बट वो कोडिंग नहीं कर रहा है, फिर उसको कोडिंग का नॉलेज मैंडेटरी है ऐसा नहीं है। ऐसे सेक्टर्स को हम बेसिकली कहते हैं नॉन कोडिंग आईटी सेक्टर्स। तो गाइज, बहुत सारे लोग हैं ना जिनके मन में क्वेश्चंस रहता है या फिर उनके मन में एक डाउट रहता है कि अगर मुझे कोडिंग नहीं आती तो क्या मैं आईटी में काम कर सकता हूँ, या फिर मुझे आईटी में काम करना आसान रहेगा। तो इसका एक बेसिक आंसर है कि यस, यू कैन वर्क इन आईटी विदाउट कोडिंग। तो आपको अगर कोडिंग का भी नॉलेज नहीं है और आपको अगर आईटी का कोई स्पेशल टूल पता हो, जैसे विंडोज़ पता हो आपको, लिनक्स पता हो, या फिर किसी लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन हो, विदाउट कोडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो तब जाके भी आप आईटी में आपका एक ब्राइट करियर सेट कर सकते। उसके लिए कोडिंग आना या फिर मास्टर्स कोडिंग में मास्टर्स रहना मैंडेटरी नहीं होता है। तो ये भी सिंपल सा आंसर है उस क्वेश्चन का गाइज। तो गाइज, ये वीडियो देखने के बाद ना आपके मन में दो तीन चीज़ें आ रही होगी कि एग्जैक्टली आईटी होता क्या है। तो आपके मन में जो कुछ भी आ रहा है आप वो कमेंट में मुझे लिख के बता सकते हैं गाइज। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में कहना ना भूलिए, और फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल को देख रहे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।